हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 के एमसीक्यूज कराऊंगी। इससे पहले के सभी बुक एक्सरसाइज और चैप्टर टेस्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। चलो अभी हम एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 20 तीनों में 19 है, तो 20 तो 19 ही आएगा। पावर इसकी पावर 12 है, ये पावर लिख देते हैं। देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये वाली पावर जो है ऐड होगी, 12 में ये वाली पावर ऐड होगी, और पीछे ये 19 जो है टू द पावर 4 डिवाइड में है, तो इसकी पावर 4 क्या होगी, माइनस होगी। इस तरह हमारे पास क्या आ जाता है, 19 टू द पावर 16। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो डिवाइड बाय 9 टू द पावर 5 है, और आगे क्या दिया है, 81। 81 को हम 9 के बेस में लिख सकते हैं। देखो 9 9 जा होता है 81, 81 की पावर 4 है, इसलिए इनकी भी पावर 4 है। डिवाइड बाय 9 टू द पावर 5, 9 की पावर कितनी है अंदर, 2, देन उसकी पावर है 4। इसको हमें ऐसे ही लिखना होगा, ओके। देखो ब्रैकेट के बाहर पावर और अंदर पावर जब होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। 9 टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, देन हम डिवाइड करेंगे 9 टू द पावर 5 से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो क्या आ जाता है, 8 डिवाइड बाय 9 टू द पावर 5। 9 टू द पावर 8 में से माइनस कर देते हैं पावर 5, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर माइनस हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास आता है 9 टू द पावर 3। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 729। सी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 20 3 ही दिया है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, एड। इस तरह से हमारे पास आता है 3 टू द पावर 12। देखो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 20 के रूप में आपको देखो 27 या 729 नजर आ रहा है, इसके रूप में हमें इसको वापस से करके देना है। देखो 3 टू द पावर 12 को हम दोनों रूप में लिख के दिखाएंगे, एज 27 बीस भी और 729 भी, ठीक है। 3 की पावर कितनी होती है कि 27 आए, 3 3 9 9 3 27, 3 टू द पावर 3 है तो 27 है। अब ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी आई, देखो 12 कैसे आ सकता है ब्रैकेट के बाहर, अगर पावर हम 4 लिखे, इट मीन्स अगर हम 27 को बेस लेते हैं तो उसकी पावर कितनी आती है, 4। ये देखो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 27 तो बेस नहीं है इनमें से, ओके। अगर 27 टू द पावर 4 होता तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता। अब 729 देखें, 3 की पावर 6 हो, 3 की पावर जब 6 होती है तो होता है हमारे पास 729। ब्रैकेट के बाहर कितनी पावर लगाएं, 2, 6 टू जो 12 हो जाता है ना, इस तरह से हमारे पास क्या आता है, 729 टू द पावर 2। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 4 करते हैं। ये जो भी नंबर दिए हैं उनकी पावर हम या तो 2 लेके आएंगे या 3 लेके आएंगे। 16 को फैक्टराइज करते हैं, 2 की टेबल पे 8 पे जाता है, ये वापस से 2 की टेबल पे जाता है और वापस से 2 की टेबल पे जाता है, तो 2 टू द पावर कितना आ जाता है, 4। 16 को हमने ऐसे लिख दिया। 32 को फैक्टराइज करें, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करती, ऊपर ही 32 रख देती हूँ। 32 ये 2 से जाता है 16 पे, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 5, ओके। अभी मैं 81 को फैक्टराइज कर लेती हूँ। सबसे पहले 3 की टेबल से जाता है ये 27 पे, वापस से 3 की टेबल पे जाएगा
नाइन पे वापस से थ्री की टेबल पे जाएगा। अगर 81 को 3 की पावर में लिखेंगे तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, 3 टू द पावर 1, 2, 3, 4, 4। ठीक है, अभी हमें 27 को फैक्टराइज करना है। देखो अगर मैं यहाँ ऊपर से ये 1 रब कर दूं तो मैंने 27 को फैक्टराइज कर लिया। अभी 3 की पावर कितनी है, 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3 टू द पावर 3। अब इसको भी रब कर दें तो यहाँ पे 9 फैक्टराइज हो रहा है। 3 3 9 होता है, 3 की पावर कितनी है, 2। चलो अभी आगे सोल्व करेंगे, ये मैं रब कर देती हूँ। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, एड। चलो अभी नीचे करते हैं, यहाँ भी देखो बेस 3 है सबका, बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर एड हो जाएगी, 2 टू द पावर 9 अपॉन 3 टू द पावर 9, और इसको 2 अपॉन 3 होल टू द पावर 9 भी हम लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से ए वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 5 करते हैं, यहाँ हमें दिया है 1000 टू द पावर 12 और उसको हमें डिवाइड करना 10 टू द पावर 30 से। यहाँ भी हम 1000 बेस ले आते हैं, 1000 को लेके आने के लिए हमें 10 टू द पावर 3 चाहिए और ऊपर 30 दिया हुआ है ना, तो इसकी पावर हम 10 कर देते हैं। ब्रैकेट के बाहर पावर, अंदर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 30 है। ओके, 1000 टू द पावर 12 डिवाइड बाई 1000 टू द पावर 10, ये 3 पावर मैंने सोल्व कर ली। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया एक बार तो 100, फिर एक बार और मल्टीप्लाई किया तो 1000 आता है हमारे पास। ओके, अब बेस सेम हो गया, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर को माइनस कर देते हैं, 12 में से 10 गया तो कितना बचता है, 2। इस तरह से हमारे पास आएगा 1000 टू द पावर 2, ए वाला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 6 देखिए, इफ 2 टू द पावर 2n-1 इक्वल है e टू द पावर 3-n के, देन द वैल्यू ऑफ n इज। यहाँ हमें n की वैल्यू निकाल के देनी है, पहले तो हम बेस सेम बना लेते हैं, 2 टू द पावर 2n-1 इक्वल का साइन लगाएंगे, 8 की जगह 20 हम 2 बनाएंगे, 8 को फैक्टराइज करें तो ये बनता है 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, देन उसकी पावर है 3-n। ओके, सेम लिख देते हैं पहले, अभी हम 2, देखो ब्रैकेट के बाहर पावर और अंदर पावर, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 3 3 9 -3n। ओके, अभी देखो बेस सेम है तो हम पावर को इक्वल रखेंगे, तो यहां हम रख देंगे 2n-1 इक्वल है 9-3n के। ओके, 3n को हम 2n के पास ले आते हैं, ये इसमें आके प्लस होगा, देखो इधर ये माइनस का साइन है ना, तो इधर आएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, और 1 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, ये माइनस का है तो राइट हैंड साइड जाके ये प्लस का हो जाता है, 5n = 10 आएगा, देन हमारे पास n निकल आ जाएगा, 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, n क्या है हमारा, 2, C वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 7 देखिए, हमें ये इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है x की वैल्यू क्या होगी, -5/7 to the power 3, देन मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, और सेम बेस है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये इक्वल है -5/7
टू द पावर 2x-1 की, नेगेटिव 5/7 टू द पावर 9 इक्वल है नेगेटिव 5/7 टू द पावर 2x-1। देखो बी सेम है तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे पावर को। हमने पावर पावर ले ली, 9 इक्वल है 2x-1 के। ओके, ये नेगेटिव 1 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 9 में प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाता है 10 इक्वल है 2x के, 2 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये डिवाइड करेगा, तो हमारे पास x क्या आ गया है 5। सी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। इस वाले वीडियो में मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। आई विल अपलोड यू नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।